हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, क्या आप सपने देखते हैं? जी हाँ, मैं भी देखता हूँ। हर कोई सपना देखता है, लेकिन सपने का जो परिभाषा है वो आज के समय में किस तरह होना चाहिए? सपने वो नहीं होते जो हम नींद में देखा करते हैं। सपने वो नहीं होते जो हम नींद में देखा करते हैं। सपने तो वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। सपने तो वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। जी हाँ, आज के समय में सपना का परिभाषा यही है। चलिए, इस खूबसूरत कोटेशन के साथ में आज की वीडियो को शुरू करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त तीर्थ महंतो, और चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज इस वीडियो में हम एक ऐसे किताब के बारे में चर्चा करेंगे जो कि थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा स्पिरिचुअल थॉट्स के ऊपर आधारित है। तो जानने के लिए इस वीडियो में हमारे साथ बने रहिए। वीडियो थोड़ा छोटा है क्योंकि ज़्यादा कुछ मैं इस किताब में ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ, लेकिन वीडियो में कुछ अच्छे इंटरेस्टिंग बातें जरूर हैं। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो आज जिस किताब के बारे में हम इस वीडियो में बातें करेंगे, उस किताब का नाम है एब्यूंडेंस द इनर पाथ टू वेल्थ, और इस किताब का जो ऑथर है वो है दीपक चोपड़ा, और इस किताब का पब्लिशर है राइडर। तो यहाँ पे इस किताब में ऑथर जो है थोड़ा सा स्पिरिचुअल थॉट के ऊपर में इस किताब को लिखा है, और यहाँ पे इस किताब में बताया गया है कि आपका जो इनर वेल्थ क्या है, अंदरूनी जो है दौलत है, संपत्ति है, धन है, वो क्या है। तो यहाँ पे बताया गया है कि धर्म, कर्म और योग से जो प्राप्ति होती है वही आपका इनर वेल्थ है। हम सब जो अंदरूनी ताकत जो है, अंदरूनी सही मायने में जो धन है, वही उसे हम स्पिरिचुअल वे से ही कमा पाते हैं। और अगर हम देखते हैं कि आज का समय में जितना हम बिजी रहते हैं या लाइफ जितना स्ट्रेसफुल हो चुका है, मेंटल पीस किसी को नहीं मिल रहा है, और हर कोई पैसा तो कमा लेता है लेकिन एक पीसफुल लाइफ नहीं कमा पाता है। तो लाइफ में खुश रहने के लिए जो असल दौलत की ज़रूरत होता है उसे आप किस तरह प्राप्त करेंगे, इस किताब में बताया गया है। धर्म, कर्म और योग से आपको किस तरह ये कीमती चीज़ प्राप्त होगा उसके बारे में बताया गया है। दोस्तों, किताब को ज़रूर खरीदिए। अगर आप ऐसा ही किताब को पढ़ना चाहते हैं जिससे कि आपको थोड़ा सा रिलैक्स फील हो, थोड़ा सा आप मोटिवेटेड हों, सेल्फ मोटिवेटेड हों, क्योंकि लाइफ से हम अक्सर बोर हो जाते हैं, क्योंकि कई सारे बातें होती हैं जो कि नेगेटिव थॉट्स को अपने अंदर डेवलप कर देती हैं। तो अगर आप जो सोच रहे हैं कि आपके अंदर भी कुछ नेगेटिविटी आ गया है और आप उस नेगेटिविटी से बाहर निकलना चाहते हैं, थोड़ा सा अपने आप को रिफ्रेश करना चाहते हैं, तो इस किताब को ज़रूर पढ़ें। दोस्तों, आज के हमारे वीडियो में यही टॉपिक है, बस इतना ही। फिर मुलाकात होगा अगले वीडियो में एक और नए किताब के बारे में, इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को इसी तरह देखते रहिए, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी, क्योंकि इसी तरह अच्छी किताबों के बारे में हम चर्चा करते रहते हैं। जल्दी मुलाकात होगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए हमारे इस चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।